पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है तो मैं बता दूं, इस वीक में आप काफी ज्यादा पेंटिकल्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको अपनी टेंशन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ज्यादा दिख रही है, जॉब की, करियर की, बिजनेस की, इससे रिलेटेड आप ज्यादा टेंस्ड हो। एक्चुअली इसका कार्ड, एक कार्ड और आया है साथ में, तीन आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स विद टेम्परेंस। बट आपको क्या होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड के साथ दिख रहा है यूनिवर्स आपके साथ है, खुशियां आपकी लाइफ में एंटर हो सकती हैं, लेकिन बस आपको प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजीज बना के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ओवर बर्डन होके काम नहीं करना है, ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स की क्या आ रहा है इस वीक में। और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। लवर्स, चॉइसेस बहुत ज्यादा ओपन हो रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं बोल सकती हूँ, पर्सनल लाइफ में भी बोल सकती हूँ। मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग भी मैंने आपसे बोला ना कि यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे कार्ड भी यही शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। एक्चुअली वो आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपका साथ दे रहे हैं, दोनों में आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अब आप ही एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आपको भी एफर्ट्स लगाने हैं, सिर्फ बैठने से काम नहीं बनेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अभी तक आप जिस प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे थे कि किस वे में स्टार्ट करनी चाहिए चीजें, या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, करियर में सोच रहे थे कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, तो जितने भी कंफ्यूजन था आपके माइंड में वो सारी चीजें मुझे क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा क्लियरेंस आ रहा है आपके थॉट्स में। आपको प्रॉपर प्लानिंग बना लोगे कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली, आपको क्या, आप अपने आप को विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ अपने आप को कहां देखते हो। छोटे छोटे स्टेप में आप आगे बढ़ोगे ना तो जरूर आगे जाओगे, है ना। सबसे पहले तो क्लैरिटी लेके आइए, सिर्फ खड़े रहने से, सोचने से तो काम बनेगा नहीं। वही मैंने आपसे बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाइए। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आप एफर्ट्स लगाने बस रेडी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, वो तो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा स्टेप आप ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कि सिर्फ सोच रहे हो खड़े होके, है ना। कोई ट्रांजिशन भी आ सकता है इस वीक में, और ये मुझे पॉजिटिव वे में ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लवर्स कार्ड में यूनिवर्स भी है एंड पीछे सन भी है, हैप्पीनेस भी है, यूनिवर्स भी आपके साथ है, सारी खुशियां आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं। तो इस वीक में आप कोई मेजर ट्रांजिशन देख सकते हो, तो इस वीक में आप कोई छोटा ही सही, लेकिन ट्रांजिशन हमें स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से मैं कोई मेजर ट्रांजिशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई छोटा ही सही ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा इस वीक में। और कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस करियर अपने पार्टनर से मिलने भी जा सकते हैं, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, स्टेप लेने का सोच रहे हैं, माइंड में उनकी क्लैरिटी आ गई है, है ना। और कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेना चाहता है, और ये एक्शन खुशियां, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, रिकंसिलेशन, रियूनियन, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। वो ना अभी तक सोच रहे थे, आप प्लानिंग बना रहे थे, स्ट्रेटजीज बना रहे थे, सेल्फ वर्क कर रहे थे कि आपके पास कैसे आया जाए, तो वो इस वीक में आपके पास आ सकते हैं, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये वीक काफी फास्ट तरीके से जाने वाला है, मीन्स आप इतने बिजी रहोगे ना इस वीक में आपको खुद पता नहीं चलेगा, मीन्स आपके ऊपर थोड़ा सा काम का प्रेशर भी दिख रहा है, तो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में आप इतने ज्यादा बिजी रहोगे कि आपको इस वीक का पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा, बहुत फटाफट तरीके से ये वीक निकलने वाला है। मे बी कुछ लोग यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजी रहने वाले हैं, है ना, तो इस वजह से भी आपका ये वीक बहुत जल्दी निकल सकता है। और कोई पर्सन में बता ही चुकी हूँ कि आपके साइड एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपको। मतलब ओवरऑल मैं सम अप करूँ ना रीडिंग का, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपकी, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी नहीं दिख रही है अभी तक, आप देख सकते हो एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, पॉजिटिव ही एनर्जी है सारे कार्ड्स की। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको भी अपने माइंड में किसी भी टाइप के नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है, पॉजिटिव रहना है, ओके।
बोर्ड ऑफ वॉन्ट्स, जस्ट मैंने अभी बोला था ना कि कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रियूनियन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंटर हो सकता है। और प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, एक के बाद एक इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ भी यूनिवर्स प्रेजेंट है और यहाँ भी यूनिवर्स प्रेजेंट है। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों को मिलाने का काम, आपके कप्स को एक्सचेंज कराने का काम यूनिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उन पे आपको ट्रस्ट बना के रखना है। जब वो आपके साइड इतनी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं तो फिर आप क्यों इतने नेगेटिव हो थॉट्स में? आप भी तो पॉजिटिव रहिए, तभी तो मैच होंगी ना एनर्जीज, वरना आप नेगेटिव तरीके से बैठे रहोगे, थॉट्स में नेगेटिविटी रहेगी, तो आप कैसे एनर्जी को फील कर पाओगे, कैसे आप कैच कर पाओगे इस पॉजिटिव एनर्जी को, है ना। तो आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस है कि किसी भी टाइप के नेगेटिव थॉट, मैं समझ रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। लास्ट कार्ड निकालते हैं एज अ गाइडेंस, आपको क्या फॉलो करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, न्यू बिगनिंग आ रही है। बॉटम में देखो क्या कार्ड आया है, नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया। तो कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग, वही मैं आपके रीडिंग में नेगेटिव थॉट के बारे में इतना ज्यादा बोल चुकी हूँ, लास्ट ऑफ द रीडिंग वही कार्ड निकल के आया है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने एफर्ट्स प्रॉपर वे में लगाना है, पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, जॉब पे ध्यान देना है, फैमिली पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, सब पॉजिटिव होंगी। आपकी बिलीफ सिस्टम है एक्चुअली, अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो एक्चुअली में अच्छा होता है, और अगर आप पहले से इतने नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर कैसे अच्छा होगा बताइए, है ना। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिए, सारी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, आप क्या निकल के आ रहा है आपको इस वीक में। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, एग्जैक्टली, आप ना जो चाहे वो कर सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा मींस कॉन्फिडेंट काइंड के पर्सन मुझे दिख रहे हो, लेकिन कभी कभी ना नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है, ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव ही रहना है। न्यू पार्टनर, मैंने जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग आपसे बोला हुआ था ना, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ न्यू पार्टनर भी हो सकता है, है ना। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या आपके ही पार्टनर हो सकते हैं ये। यू आर नॉट गोना बी इन दिस डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। एग्जैक्टली, अगर कोई टेंशन चल रही है ना आपकी लाइफ में तो वो हमेशा नहीं रहने वाली है, कभी ना कभी तो पॉजिटिव शिफ्ट आता ही है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था इस लवर्स कार्ड के साथ कि सन है इस कार्ड में, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, वही कार्ड निकल के आया है, ओके।